नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 36 करोड़ देवी देवताओं ने दिए संकेत तुला राशि वाले जातकों के बदल जाएंगी जिंदगी। समय कम है इसलिए चुपचाप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त चला आता है जब मनुष्य को कई प्रकार के संकट, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई प्रकार के ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जब मनुष्य व्याकुल हो जाता है और मनुष्य कई प्रकार के गलत कदम को उठाने का प्रयास करता है, परंतु इसी कदम में भगवान आपकी बार आप लोगों के जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं। भगवान अच्छा समय आने से पहले कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर देते हैं। आपकी बार तुला राशि के जातकों को 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनकी वजह से इन लोगों के जीवन के कष्टों का समाधान मिलेगा। इन लोगों के जिंदगी के सारे सपने भी पूरे होंगे। कार्य व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे। आप अपने जीवन में हर प्रकार की खुशियां पाने वाले हैं। कई प्रकार के दुख तकलीफों को दूर करने वाले हैं। कई प्रकार की समस्याओं को, काप कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुंभ तुला राशि वाले जातकों को नौकरी के क्षेत्र में अच्छी खबरें की प्राप्ति होंगी। वहीं अगर किसी को प्रपोजल के मामले में सफलता मिलेगी तो वहीं किसी को जीवन में चल रही परेशानियों का खात्मा होंगे। आपको आर्थिक लाभ के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। पारिवारिक मसलों पर अचानक से आप किसी को यात्राओं पर चलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की कोशिश करें। यात्राओं को करना भी ऐसे में लाभदायक रहेगा। घर परिवार में खुशियों का आगमन होंगे। अलग अलग क्षेत्रों से नई जानकारी की प्राप्ति होंगे। नए नए लोगों से जान पहचान होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ने वाला है। परिवार खुशी का माहौल बने रहेंगे। आप अपने पुराने शारीरिक परेशानियों से छुटकारा भी प्राप्त करने वाले हैं। घर परिवार में आप लोगों के खुशियां बने रहेंगे। साथ काम करने वाले लोग भी आपकी पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। आप लोगों के व्यवसायिक मतभेद, आप लोगों के जीवन की परेशानियां खत्म होंगे। परिवार में खुशी का माहौल बने रहेंगे। आप लोगों के सभी काम भी समय से पहले पूरे होंगे। आपके सकारात्मक विचार भी किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। आपको संतान की तरफ से बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। मित्रों तुला वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपका बिजनेस और व्यापार भी ऊंचाइयों पर रहेगा। अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी दिन दुगने रात चौगने तरक्की हासिल होंगे। भाग्य और किस्मत दोनों का साथ भी आपको मिलने वाला है। आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव होंगे। भाई बहनों से चल रहे बात भी बात दूर होंगे। भूमि भवन से संबंधित कामों में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के मौके भी प्राप्त होंगे। पुराने कर्ज और कोर्ट कचहरी के मामले से आपको छुटकारा भी प्राप्त होंगे। शैक्षणिक में भी आपका मन लगे रहेंगे। अटके पड़े कार्य भी आप लोगों के सही समय पर होंगे। दिया बदन भी आपको आपस मिलने वाला है। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी भी आपके कामकाजों से काफी खुश होंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छा फायदा भी प्राप्त होने वाला है। आपका मन काफी ज्यादा खुश होंगे। भूमि भवन से संबंधित कामों में आपको लाभ की प्राप्ति होंगे। आप सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित कर पाने में सक्षम होंगे। आपके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होंगे। कारोबारी में एक नए सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भविष्य में अत्यधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। तो भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको शुभ और अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। कामकाज को लेकर आप कोई नई योजना बना सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होंगे। अधिकारियों को काम एक अनुकूल स्थितियां मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकते हैं। दूसरों के द्वारा की गई मदद भी आपके अनुकूल होंगी। अधिकारियों को काम करने पर भी तारीफें मिल सकती है और नए सामग्री को जोड़ने की कलात्मक आपकी बढ़ सकती हैं। काम बनाने के लिए आपको सिफारिश भी करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल से बड़े अधिकारी आपके कार्य कुशलता से काफी प्रसन्न होंगे। अपनों का साथ भी प्राप्त होंगे। आपके रुके हुए कार्य भी रफ्तार पकड़ सकते हैं। आने वाले समय आपकी आय और नौकरी में पदोन्नति दे सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके लिए समय शुभ और अच्छा रह सकता है। आपको अपनी मेहनत का अधिक लाभ मिल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी आपका खुशहाल बना रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आ सकती है। आप अपने किसी प्रिय मित्र से मुलाकात कर सकते हैं जो आपके लिए काफी शुभ और काफी लाभकारी रह सकता है। आपके जीवन में इस समय आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगी। सफलता पाने के मौके भी प्राप्त होंगे। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन का हर पल हर लम्हा शानदार तरीके से बीतेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अपार सफलताएं मिलेंगी। आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है और शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यापार में
में आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है, आपके समाज में मान सम्मान बढ़ सकते हैं, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगी, आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक रह सकता है, यात्राओं से जुड़ी आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में आपका सुख आएगा, आपका व्यापार भी तेजी पकड़ सकता है, आपको नौकरी पेशा वाले लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी होंगी, बेरोजगार लोगों को ज्यादा पगार वाली नौकरी मिल सकती है, आपको उधार दिए हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं, आपको नया कार्य शुरू करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपकी चिंताएं समाप्त होंगी, धन के क्षेत्र में आपको वृद्धि मिलेंगी, माता लक्ष्मी की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेंगी, जल्दी ही बहुत सारा धन इकट्ठा करने में कामयाब होंगे, आपको अचानक से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय अच्छे दिन साबित होंगे, पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकता है, घर में आप किसी धार्मिक उत्सव को कर सकते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके भी प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में लिया गया फैसला भी आपके लिए काफी निर्णायक और काफी खास रह सकता है, आप अपने जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं तथा कार्य क्षेत्र में लिया गया फैसला भी आपके लिए काफी निर्णायक हो सकता है, आप अपने कारोबार में आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्ति का योग बनेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, मित्रों का भरपूर सहयोग मिल सकते हैं, विद्यार्थियों को भी उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिता सकते हैं और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और किसी व्यावसायिक यात्राओं पर आपको लाभ हो सकता है और आप अपनी यात्राओं पर भी विशेष लाभ की प्राप्ति। कोई बड़ा फैसला लेना सोच विचार कर ही काम करने से जरूरी रह सकता है, लोगों की राय को गौर से सुनने का प्रयास करें, पैसों के किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने में आपका कोई अधिकार या कोई बड़ा आदमी आपकी मदद कर सकता है, दूसरों की मदद करने के आपको कई मौके मिल सकते हैं, आप अपने जीवन में काफी बड़ी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, दोस्तों की मदद से भी आपको फायदा मिल सकता है, आपको आर्थिक रूप से बड़ा लाभ हो सकते हैं, आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिता सकोगे, आपको आमदनी के नए स्रोत हासिल होंगे, आप व्यवसाय और नौकरी में बड़ी प्रगति हासिल कर सकते हैं, अटका गया काम भी अचानक से शुरू हो जाएगा, घर में खुशियां होंगी, आपकी मेहनत भी रंग ला सकती हैं, आप उचित लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए काफी लाभदायक और काफी सुकूनदायक हो सकता है, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको विशेष फायदे होंगे, आपका व्यवहार भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, विवाहितों के लिए धन काफी अच्छे होंगे, जीवन साथी से कोई अच्छा उपहार मिल सकता है, आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत रह सकती है, आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की अवश्य कोशिश करें। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आप लोगों को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, व्यापार में भी आपको दुगना मुनाफा मिल सकते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य पूरे होंगे और आप लोगों को अचानक से कोई